Good morning students, we are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpur. Students as you know that we are studying chapter 5 in science of standard 7th. Student in our previous classes we have discussed about the acids, bases and indicators. Today we will discuss about the salts. Salts means lavan. Salts is a general term. यूज फॉर सब्सटांसिस दैट आर फॉर्म वैन एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट विद ईच अदर मींस वैन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म आ सोल्ट मीन्स जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं देन दे फॉर्म सोल्ट दिस रिएक्शन इज कोल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और यही रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन मीस होता है उदासीनीकरण करना उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है द रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा विनेगर मीन्स होता है सिरका, बेकिंग सोडा होता है खाने का सोडा एन ए एच सी ओ थ्री इज आ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स विनेगर और बेकिंग सोडा की रिएक्शन एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है विनेगर एज वी ऑलरेडी नो जैसे कि हम पहले से जानते हैं कंटेन एन एसिड जिसमें एक एसिड होता है एंड बेकिंग सोडा कंटेना बेस मीन्स बेकिंग सोडा में बेस प्रेजेंट होता है और विनेगर में एसिड प्रेजेंट होता है वैन दे रिएक्ट टू इच अदर देन दे सोल्ट वैन विनेगर रिएक्ट विद बेकिंग सोडा और सोल्ट इज फॉर्म मीन्स जब विनेगर बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है देन इट फॉर्म्स सोल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर ऑल्सो रिलीज as a product in this reaction means when vinegar and baking soda react with each other then a salt is formed and water and carbon dioxide gas are also released in this reaction similarly common table salt is formed by the reaction of hydrochloric acid and sodium hydroxide means वेन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद इच अदर दे फोम्ड कॉमलटे कॉमन टेबल सोल्ट सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट कोस सोडियम क्लोराइड एंड वॉटर, सोडियम क्लोराइड एंड वॉटर कॉमन टेबल सोल्ट सोडियम क्लोराइड एन ए सी एल सॉल्ट कैन बी एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है एसिडिक सॉल्ट आर फॉर्म वैन स्ट्रोंग एसिड रिएक्ट विद वीक बेस मीन्स वैन आई स्ट्रोंग एसिड रिएक्ट विद वीक बेस दैन एसिडिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड। बेसिक सॉल्ट आर फॉर्म वैन स्ट्रोंग बेस रिएक्ट विद वीक एसिड मीन्स When strong base react with weak acid, then they form basic salt. When a strong acid and strong base react, then they form neutral salt. Means, let's remind: when a strong acid and weak base react with each other, then they form acidic salt. When strong बेस रिएक्ट विद weak acid then दे फॉर्म बेसिक सोल्ट एंड when strong एसिड एंड strong बेस reacts देन दे फॉर्म न्यूट्रल salts न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और क्वाइट कॉमन इन एवरीडे लाइफ मीन्स हमारी एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती रहती है हाउ लेट्स डिस्कस फर्स्ट इज इंसेक्ट स्टिंग्स मीन्स जब कोई की इंसेक्ट्स स्टिंग करते हैं डंक मारते हैं वैन आप बी स्टिंग जब एक मधुमक्खी डंक मारती है इट इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड इन टू द स्किन देन इट इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड इन टू स्किन द स्टिंग इज न्यूट्रेलाइज बाय रबिंग कैलमाइन लोसन और ऑइंटमेंट ऑन द स्किन मीन्स जब कोई मधुमक्खी हमारी बॉडी में हमारे फेस पर डंक मारती है तो वो कोई एसिडिक लिक्विड छोड़ जाती है देन वी रब कैलेमाइन लोसन टू न्यूट्रलाइज इट ऑन द स्किन मीन्स तब हम अपनी स्किन पर कोई कैलामाइन लोसन अप्लाई करते हैं इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए दिस लोशन कंटेन जिंक कार्बोनेट बेस जिसमें कि एक जिंक कार्बोनेट प्रेजेंट होता है लोशन में जो कि बेस होता है देन इट न्यूट्रलाइज बी स्टिंग नेक्स्ट इंजेसन इंजेसन मीन्स जब खाना नहीं पचता इंजेसन उसे बोला जाता है खट्टी डकार आना टू डाइजेस्ट फूड भोजन पकाने के लिए द लिक्विड इन द स्टोमक मस्ट बी एसिडिक मीन्स हमारे बॉडी में हमारे स्टोमक में हमारे पेट में एक एसिडिक लिक्विड प्रेजेंट होना चाहिए बट टू मच एसिडिटी लेकिन जब वो एक्सेस अमाउंट में हो लीड टू इंडाइजेसन तब उसकी वजह से इनडाइजेशन होता है खट्टी डकार आती है वन टेक एंटा एसिड तो हम क्या करते हैं एंटा एसिड लेते हैं विच यूजली कंटेन बेकिंग सोडा जिसमें कि खाने का सोडा होता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए देन वी टेक एंटा एसिड्स विच कंटेन बेकिंग सोडा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच आर बेस नेक्स्ट इज सॉइल ट्रीटमेंट मोस्ट प्लांट ग्रो बेस्ट इन न्यूट्रल सॉइल मोस्टली प्लांट्स न्यूट्रल सॉइल में बहुत अच्छे उगते हैं इफ़ द सोईल इज टू एसिडिक अगर हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा एसीडिक है और टू एल्कलाइन और काफ़ी एल्कलाइन है द प्लांट्स डोंट ग्रो प्रॉपरली और डू नॉट ग्रो एट ऑल तो वो प्लांट्स प्रॉपरली ग्रो नहीं करेंगे इवन हो सकता है कि वो बिल्कुल भी ग्रो ना करें इफ़ सोइल टू एसिडिक अगर सॉइल हमारी ज़्यादा एसिडिक है आप बेस सच एस क्विक क्लाइम कैल्शियम ऑक्साइड स्ले क्लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चौक कैल्शियम कार्बोनेट इज एडिड मिस अगर हमारी जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है देन वी एड आर बेस इन टू इट टू न्यूट्रलाइज इफ द दॉइल इज टू अल्कलाइन सल्फर एलिमेंट इज एडिड अगर हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा एल्कलाइन है देन वी एड सल्फर इन द दॉयल टू मेक इट फर्टाइल नेक्स्ट इज फैक्ट्री वेस्ट लिक्विड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज ऑफ वन कंटेन एसिड मीन्स जो फैक्ट्रीज से वेस्ट लिक्विड वेस्ट हमारे ड्रेन्स के थ्रू हमारे रिवर्स वगैरह में आता है उसमें एसिड प्रेजेंट होता है इफ इट रीच इन द रिवर अगर ये हमारा नदियों में पहुंचता है द एसिड विल किल एक्वेटिक लाइफ तो ये जंगली तो ये जलीय जीवन को खत्म कर देगा दिस इज प्रिवेंटेड बाय न्यूट्रलाइजिंग द वेस्ट बाय एडिंग अ बेस सच एज स्लेक क्लाइम इसे हम इसे रोका जा सकता है अगर हम उसे उसमें स्लेकलाइम ऐड करके उसे न्यूट्रलाइज कर दें देन इट कैन प्रिवेंट द एक्वेटिक लाइफ टू